वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी कह लीजिए। तो आप हेडिंग लगाइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जल्दी से हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की थी तो बताया गया था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज के कारण, वो उसका फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू दिस मच, ऐसे लिख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, घटता जाएगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, धीरे धीरे घटता जाएगा। किससे, कैसे, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लगातार घटता जाएगा। ये भी क्लास में डिस्कस हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है टुवर्ड्स द चार्ज। निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है अवे द चार्ज। अब जैसे मान लीजिए फैराडे साहब ने क्या किया कि कहा इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फील्ड लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उन्होंने ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया वो इस टाइप का था। देखिएगा, एक प्लस चार्ज ले लिया Q, और प्लस चार्ज से क्या होता है, बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए फैराडे साहब ने क्या किया, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आप भी ड्रा कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ देखो मैग्नीट्यूड घट रहा है, तो ये जो एरो से फैराडे साहब ने रिप्रेजेंट किया, इसे किसने रिप्रेजेंट किया था, फैराडे साहब ने। फैराडे साहब ने क्या कहा कि ये जो एरोस की डायरेक्शन है ये फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एरो की लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट करेगी, यानी एरो लेंथ ज्यादा यानी फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं एरो की लेंथ क्या है, घटाते जाएंगे, ये इंडिकेट कर रहा है कि दूरी बढ़ने पर फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा, यानी एरो की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है फील्ड की डायरेक्शन को, और एरो की जो लेंथ होगी वो रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड। अगर ये माइनस चार्ज होता तो टुवर्ड्स एरो की डायरेक्शन क्या हो जाती, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती, वहां बना लीजिए अपनी कॉपी। ठीक है, बाद में क्या किया फैराडे साहब ने, इन एरोस को ज्वाइंट कर दिया, मतलब जो आगे जाने पे धीरे धीरे क्या है, तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो बाद में क्या किया फैराडे साहब ने, इन एरोस को ज्वाइंट कर दिया, मतलब इस तरीके का कुछ बनाया, ये बना लीजिए मैं आगे बना रहा हूं। बना लिया,
बना लीजिए जल्दी से। फिर क्या हुआ बाद में फैजल साहब ने क्या किया कि जो एरोस थे जिनका लेंथ घटाते जाते थे डिस्टेंस के साथ, अब ज्वाइन कर दिया। ये प्लस क्यू चार्ज है, कहा ये आपका हो गया एरो की डायरेक्शन। तो आपको अपनी बता रही है कि फील्ड की डायरेक्शन होगी, एरो की जो डायरेक्शन है वो फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। लेकिन अब आप कहोगे कि ये मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन एरो है या जो ये लाइंस है, इन्हीं को फील्ड लाइंस बोलते हैं, ये जो फील्ड लाइंस है इनकी जो डेंसिटी होगी वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बताएंगे। डायरेक्शन तो एरो की जो डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन हो गई, लेकिन पहले जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें एरो की लेंथ लगातार घटती जाती थी, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड का घट रहा है। अब यहाँ पर एरो तो ज्वाइन हो गए, अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड बताया गया वो जो फील्ड लाइन्स है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताया गया, यानी जहां पर फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और जहां पर फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम। देखो ये अगर हम एक सर्किल बना दें और एक सर्किल ये बना दें, तो देखो कहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जो ये पहला वाला है यहां पर देखो फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है पास पास में, और जो दूसरा वाला सर्किल है वहां पर देखो फील्ड लाइन क्या है दूर दूर है। इसका मतलब जहां पर फील्ड लाइंस पास पास होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी, और फील्ड लाइंस जब दूर दूर होंगे तो वहां पर फील्ड की डेंसिटी कम होगी। नोट्स बनाते रहिएगा, नोट कर लीजिए ये बातें। ये डिफाइन कर दें कि ये होते क्या है, देखो जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, यहाँ पे देखो क्या टाइम के साथ जैसे हमने कहा कि यहाँ पे निकाल रहे हैं फिर आगे निकाले तो टाइम भी वेरी हो रहा है, और कहाँ है हम स्पेस में, तो हम क्या करेंगे एक रीजन लेंगे और उसको बोलेंगे स्पेस टाइम रीजन। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए। डेफिनेशन क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस टाइम रीजन अलोंग विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज कैन मूव व्हेन सेट फ्री। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस टाइम रीजन में वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके अनुदेश यदि कोई धनात्मक आवेश जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलेंगे और उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, यदि टेस्ट चार्ज को फ्री कर दिया जाए तो वो टेस्ट चार्ज स्पेस टाइम रीजन में जिन काल्पनिक रेखाओं के अनुदेश गति करेगा वही काल्पनिक रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती। नोट कर लीजिए ये बात, नोट कर लीजिए। नोट कर दें, नोट कर रहे हैं, डेफिनेशन नोट कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines in space time reason along which a
पॉजिटिव डिस्चार्ज कैन वेयर से फ्री. नोट कर लीजिए, डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. मॉर्निंग विपिन, नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चल रही है. अगर अभी ज्वाइन किया है छूट गया है तो बाद में रिप्ले करके देख लेना, ठीक है, क्लास के बाद. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन स्पेस टाइम रीजन. स्पेस टाइम रीजन का मतलब देखो पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर है, फिर टाइम बदलेगा यहाँ पहुंचे, पोजिशन बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है और ये कहाँ पर है, स्पेस में है, इसलिए उस रीजन को बोला गया स्पेस टाइम रीजन. Along which a positive test charge can move when set free. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो नोट कर लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नोट कर लीजिए. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. देखो जो ये फील्ड लाइंस होती हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है. यानी पहला पॉइंट है आपका फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एंड नेगेटिव चार्ज. नोट कर लीजिए पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि ये जो है ये क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती है, ठीक है. दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज लूप बनाती है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. अगला पॉइंट आप नोट करिए और फिर उसको समझिएगा, नहीं तो आप याद कर लेंगे बस उसका मतलब जब तक नहीं समझेंगे. तो अगला पॉइंट क्या है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो तो सब्जेक्टिव है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन कोई भी जितना चाहे उतनी बना सकता है, लेकिन जो डेंसिटी है वो कैसी है, ऑब्जेक्टिव है. तो अगला लिखिएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव. लिखते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव. आर इज सब्जेक्टिव पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मतलब है जो इच्छा हो ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब है फिक्स. जैसे मान लीजिए कि विपिन ने कहा प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है और विपिन ने कहा कि हम चार लाइनें बनाएंगे, फिर
फील्ड लाइंस क्या है, चार क्वाड्रेंट। और नितिन ने कहा कि इसी चार्ज क्यू के लिए हम छह लाइनें ड्रा करेंगे। कौन सी लाइनें? फील्ड लाइंस। नितिन ने क्या किया, इसी चार्ज क्यू के लिए छह लाइनें फील्ड लाइंस ड्रा कर। अब क्या होगा कि कितनी भी कोई पर्सन किसी भी चार्ज के लिए कितनी भी फील्ड लाइंस ड्रा कर सकता है, लेकिन एक चीज कॉमन होनी चाहिए कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ फील्ड का मैग्नीट्यूड घटना चाहिए। यानी जो लाइंस की डेंसिटी है, डिस्टेंस अगर बढ़ती जाए तो वो डेंसिटी क्या है, सिमिलर मैनर से घटनी चाहिए। तो वो देखो यहाँ मिल रही है, देखो जब पास पास में है तो डेंसिटी क्या इसमें भी ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा है। जब हम दूर जाएंगे तो लाइनों के बीच की सेपरेशन क्या है, बढ़ती जा रही है, यानी डेंसिटी घटती जा रही है लाइनों की। इसमें भी जब हम दूर जाएंगे तो डेंसिटी क्या है, लाइनों की घटती जा रही है। तो किसी भी चार्ज के लिए फील्ड लाइंस की संख्या कुछ भी ले सकते हैं हम, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आपका जो वेरिएशन है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए कहा गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज ऑब्जेक्टिव। जिस तरीके से डेंसिटी यहाँ घट रही हो उसी तरीके से डेंसिटी यहाँ भी घट रही है, तो हम कहेंगे कि लाइंस हम क्या है, कुछ भी बना ले, नेचर क्या है, जो बिहेवियर है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर भी देखो दूरी बढ़ने पर लाइंस के बीच की सेपरेशन बढ़ रही है, यहाँ पर भी दूरी बढ़ने पर लाइंस के बीच की सेपरेशन क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये बात। अगला पॉइंट ये नोट कर लिया होगा, अगला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे हम डबल कर दें तो फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। तो अगला पॉइंट लिखिएगा नंबर ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है जो भी नंबर हो, जो भी पॉइंट चल रहा हो डाला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, फील्ड लाइंस की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए अगर चार्ज प्लस क्यू अगर हमने किया और इसमें दो फील्ड लाइंस हमें दिखाई दी, तो अब अगर प्लस थ्री क्यू चार्ज हो जाए तो इसमें कितनी लाइंस हो जानी चाहिए, कितनी फील्ड लाइंस हो जानी चाहिए, छह लाइंस हो जानी चाहिए। मैग्नीट्यूड तीन गुना हो गया तो नंबर ऑफ लाइंस भी क्या हो जानी चाहिए, तीन गुना हो जानी चाहिए। तो इसीलिए लिखा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, राइट। नोट कर लीजिए, बेस्ड एक क्वेश्चन है आता है ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में अक्सर आ जाता है, डायग्राम बना रहे हैं। यहां पे दिया है प्लस का Q1 चार्ज, यहां पर दिया है माइनस का Q2 चार्ज। तो Q1 से निकलेगी फील्ड लाइंस और Q2 में टर्मिनेट होगी। प्लस से निकलती है ओरिजिनेट होती है और निगेटिव में क्या होती है, टर्मिनेट।
यहाँ दिखाया गया डायग्राम बनाओ, एक लाइन ये गई, एक लाइन इस तरीके से गई, फिर एक लाइन आपकी ये निकली भी है ऐसे, और एक लाइन ये निकली। अब आपसे पूछा गया है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया है, Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल टू व्हाट। देखो Q2 में कितनी फील्ड लाइंस हैं, दो, Q1 से कितनी निकल रही हैं, चार, तो क्या हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड का रेशियो हो जाएगा 4 अपॉन 2, यहां से चार निकली, इसमें दो ही जा रही है ना, तो इसके लिए तो हम दो ही लेंगे, ये कहां गई पता नहीं, दिखाया नहीं गया, जब तक ये यहां मान भी नहीं रहे तब तक हम इनको Q2 के कारण नहीं मानेंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q1 से कितनी निकल रही है चार, Q2 में कितनी जा रही है दो, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा चार, Q2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा दो, तीन में रेशियो ये मिल गया, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए जल्दी से। अब अगला पॉइंट है आपका जो भी नंबर हो, टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पे ड्रा की गई टेंजेंट के अलोंग होती है, यानी किसी भी फील्ड लाइन पर अगर हम पॉइंट ले लें और उस पॉइंट पर हम फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करना चाहें तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब मान लीजिए कि दो फील्ड लाइंस हैं, एक फील्ड लाइंस ये है और एक फील्ड लाइन ये, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई, दिख रहा होगा हल्का सा मार्कर में इंक कम है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, यहाँ पर एक टेंजेंट तो ये इधर ड्रा हो जाएगी और एक टेंजेंट ये ड्रा हो जाएगी, इसका मतलब है एक ही पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन मिलने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जो भी नंबर हो नंबरिंग आप करते रहना, नेक्स्ट पॉइंट है, फील्ड लाइंस आर, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, दो चार्जेस को मिलाने वाली रेखा के अबाउट फील्ड लाइंस जो होती है वो सिमेट्रिक होती है, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining two charges, about the line joining two charges, जैसे हमने कहा कि ये Q1 charge है और ये क्या है Q2 charge, right? लाइन ज्वाइनिंग है, अब कहा यहां पर एक ये इस तरीके से फील्ड लाइन दी हुई है, तो दूसरी फील्ड लाइन हमें बनानी होगी, तो
सिमेट्रिकली बना है इस तरीके से। अब देखो जितना इंगिलियर है उतना इंगिलियर होना चाहिए, यानी ये इंगिल और जितना इंगिलियर है उतना इंगिलियर होना चाहिए। अगर इस समय ये पूरा एंगल हम अल्फा कहते हैं या हम कहते हैं पूरा एंगल थीटा 1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं थीटा 2 कहते हैं, तो क्या थीटा 1 बड़ा दिख रहा है थीटा 2 से, यानी थीटा 1 है ये ग्रेटर है थीटा 2 से, आपको दिख रहा होगा यहां बना लीजिए। थीटा 2 से तो अब यहां पर देखो इसमें पूरे में ये कितना होगा, अगर पूरा एंगल कहते हैं 360 होगा ना, तो दो रेखाओं के बीच दो फील्ड लाइंस के बीच Q1 के लिए दो फील्ड लाइंस के बीच जो एंगल है वो Q2 की दो फील्ड लाइंस के बीच एंगल से ज्यादा है। इसका मतलब है Q1 के लिए जो फील्ड लाइंस की संख्या होगी 360 डिग्री में वो कम होगी Q2 के तुलना में, और जब Q1 के लिए फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड भी तो कम होगा Q2 से, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस की संख्या मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, लिख चुके। इसका मतलब अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि Q1 और Q2 में कौन बड़ा है तो Q2 बड़ा है क्योंकि यहां 360 में ज्यादा लाइनें होंगी क्योंकि दो लाइनों के बीच का एंगल कम है, और यहां 360 में कम लाइनें होंगी क्योंकि दो लाइनों के बीच का एंगल ज्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि mod Q2 is greater than mod Q1, ठीक है विपिन, समझ में आ रही बात? ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, वो लोग भी पढ़ सकते हैं, अच्छा लगे तो उनको शेयर कर दीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा जो भी नंबरिंग चल रही हो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव क्लोजनेस कर दीजिए, रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखते हैं रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है। अगला पॉइंट में बात करते हैं, डिम हो गया तो आप नोट कर लीजिए, रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन फील्ड लाइंस प्रोवाइड्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, ठीक है डायग्राम बना के समझा रहे हैं। डायग्राम दिख रहा होगा विपिन, दिख रहा है? ठीक, अब देखो
विपिन बोल देना कोई कास्ट नहीं पड़ रही, आप पढ़ सकते हैं कह देना, ठीक है। यहाँ देखो ये जो है आपका, आपसे पूछा जाता है कि एम और एन पॉइंट में से कहाँ पर फील्ड ज्यादा है। तो देखो एम पॉइंट के अराउंड क्लोजनेस लाइंस की ज्यादा है एन के कंपैरिजन में। एन पर ये लाइंस ज्यादा डिस्टेंस पर है, एम पर लाइंस कम डिस्टेंस पर है। तो रिलेटिव क्लोजनेस एम पर ज्यादा है लाइंस की इन कंपैरिजन टू एन, इसका मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो एम पॉइंट पर एन पॉइंट की तुलना में ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट मैग्नीट्यूड, पॉइंट एम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो पॉइंट एन पर मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट एम पर रिलेटिव क्लोजनेस लाइंस की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पॉइंट एन। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट लिख लो, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होती है फील्ड लाइंस। तो अगला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करें।